इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उसके तार खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हैं। आरोपी इंदौर में लूट और डकैती करने आते थे। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 को देर शाम बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों में नमराजू उर्फ राजेश, बलवंत बादल, राजेंद्र और बंटी है। 5 बदमाशों ने पिछले दिनों अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार चोरियां की थी। पुलिस ने कार नंबरों के आधार पर इन्हें बड़वानी, सेंधवा और दाहुद से गिरफ्तार कर लिया। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 को भवानीपुर कॉलोनी और लोकमान्य नगर कॉलोनी, इसमें 2 घरों में एक अज्ञात गैंग के द्वारा घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जब थाने पर आई थी तो मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद लगातार अन्नपूर्णा थाना की पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज, लोगों से और आसपास के मुखबिरों से पूछताछ कर रही थी। इसमें आसपास के लगे हुए फुटेज से एक गाड़ी नजर आई थी जो कि शेवरले की समझ में आ रही थी। उसको फॉलो करते करते टोल्स के माध्यम से और अन्य टेक्निकल जानकारी के माध्यम से इसमें इस गाड़ी को हमने लोकेट किया। उसके बाद इस गाड़ी से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हमने गिरफ्तार किया। इसमें कुल अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो कि बड़वानी के और इंदौर के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ करने के दौरान में काफी सारे खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं। इसमें जो मुख्य सरगना है, इसमें राजेंद्र सिंह बनवाल है जो कि मुख्य सरगना है। कुल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, राजेंद्र, बादल, राजेश, सिद्धांत और बलवंत। इन 5ों में जो राजेंद्र सिंह बनवाला है ये मुख्य आरोपी है। इसने बलवंत सिंह के साथ में और पूरी टीम के साथ में घूम घूम के इंदौर के ऐसे घरों को चिन्हित किया था जहां पर ताले लगे हुए हैं या जहां लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। इस प्रकार से घरों को चिन्हित करने के बाद में 1 अगस्त से लगातार 20 दिन तक ये लोग रेकी करते रहे और इस दौरान इन लोगों ने लगभग 15 घरों में चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें 3 जगह पे सक्सेसफुल रहे हैं। इसमें एक गुलजार कॉलोनी है जहां पर इन लोगों ने चोरी करी है, एक राव चौराहा राजेंद्र नगर थाने में चोरी करी है और एक ग्रीन पार्क कॉलोनी में इन लोगों के द्वारा चोरी करी गई है। इसमें जो चोरी का माल था इसमें सोने और चांदी के सिक्के और कुछ नकदी थे। जो सोने और चांदी के सिक्के वगैरह हैं सुनार के यहाँ पर बेचना बताया गया है, जिसको अभी पूछताछ जारी है और पीआर लेके उनको बरामद किया जाएगा। इसमें मुख्य बात और खास बात यह है कि जो राजेंद्र बनवाल जो इसमें मुख्य आरोपी है, इसके पूर्व में काफी सारे आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस ने इसे 2021 में लगभग 18 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया था। उस समय इसके ऊपर आरोप था कि ये खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करता है। इससे पूछताछ में बात सामने आई है कि इसने यूपी के भी कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर्स को इसने हथियार सप्लाई किए थे। इसी माध्यम से इसकी लिंक जो है खालिस्तानी से जुड़कर इसने खालिस्तानियों को भी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा चोरी के कई मामलों में ये धार में, सेंधवा में, दिल्ली में बंद हुआ है। ये मुख्य तौर पर ताला चाबी बनाने का काम करते हैं, सिक्योर हैं और अवैध रूप से ये हथियार बनाने का काम भी करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। ये पेशेवर अपराधी हैं जिनका मुख्य तौर पर चोरी करने का कारण पैसा कमाना होता है और उससे अवैध हथियार बनाना, अवैध हथियारों को सप्लाई करना, गैंगस्टर के साथ संपर्क में रहना और इस प्रकार से क्षेत्र में दहशत फैलाना। अभी फिलहाल पूछताछ में इनके पास कुछ पिस्टल होना बता रहे हैं और कई सारा सामान उनके द्वारा बेचना बता रहे हैं, जो कि पीआर लेके पूछताछ करेंगे। पूछताछ जारी है, कल इसमें और बरामदगी की जाएगी। जी, पूछताछ में कई लोकल लोगों से और कई लोगों को हथियार सप्लाई करने की बात ये बता रहे हैं। इनसे अभी कल पीआर लिया जाएगा, इनसे और डिटेल में पूछताछ करने के बाद में जो जो चीजें इन्होंने चोरी करी है और जो जो अवैध हथियार इन लोगों ने सप्लाई किए हैं उसको बरामद किया जाएगा। अभी तक फिलहाल में एक शेवरले की सेल गाड़ी जो है इनके पास से बरामद हुई है और 4 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं जो अपराध में यूज किए गए थे। इसके अलावा जो चोरी का सामान है उसकी लोकेशन उन्होंने बताई है, उसको जल्द से बरामद किया जाएगा। तीनों जगह लगभग सोने चांदी के सिक्के मिलाकर लगभग 50 से 60 हजार और अन्य नकदी जो है चोरी करना बताया जा रहा है। बाकी बरामदगी के बाद में पूरा चीज क्लियर हो पाएगी। 15 जगह इन्होंने चोरी करने का प्रयास किया है जिसमें 3 जगह ये सक्सेसफुल रहे हैं। एक वैशाली नगर में किया, चोरी का प्रयास किया, मधुबन नगर में किया, लोकमान नगर में, सिलिकॉन सिटी, नालंदा परिसर,
71 स्कीम नंबर में राहुल चौराहा, वीर सावरकर नगर, गुलजार कॉलोनी, इन सब लोकेशंस पे अलग अलग घरों में इन्होंने चोरी का प्रयास किया है। जी, जिन घरों में मुख्य तौर पर ताला लगा हुआ होता है, जहाँ घर घर में मूवमेंट नहीं है, उन मकानों को ये निशाना बनाते थे, घूम घूम कर। जो एक लोकल का बलवंत है जो इंदौर हवा बंगला में रहता था, उसको यहाँ की सड़कों की जानकारी थी, वो घूम घूम कर रेकी किया करता था और अपनी गैंग के माध्यम से इस प्रकार से लोग ऑपरेट करते थे। ये कार, इसमें एक आरोपी है राजेश, उसके नाम पर है।